हाय स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। वी हैव ऑलरेडी सेंट वन वीडियोस प्रिपेयर्ड वन वीडियोस ऑन दिस चैप्टर एंड दिस विल बी द सेकंड वीडियोस। इन फर्स्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल अबाउट इंट्रोडक्शन, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स, दैट वाई वी रिक्वायर्ड सेपरेशन एंड वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेशन। Because in a daily routine, in home or in everywhere, when we are talking about the materials and matters, in our house also when we are going to prepare food and all other stuff, so we used to see if any impure substances are mixed with pure one, then we are going to separate the same. Like जैसे घर में चावल बन रहा है तो चावल में you are getting a stone. तो हम क्या करते हैं, stone को बाहर निकाल देते हैं। Why we are removing the stone? Because to make our rice clean. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो सेपरेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन एवरी एस्पेक्ट्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इम्प्योर एंड प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस हम किसको बोलेंगे, विच इज़ प्योर, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपका वाटर है, वाटर इज वॉट लिक्विड, और उसके अंदर कोई चीज़ है जो मिक्स ऑलरेडी हुआ है, तो हमको वो मिक्स पार्टिकल्स को सेपरेट करना होता है। उसको जब हम सेपरेट करते हैं तब जाके विल गेट प्योर वाटर। जैसे आपने फिल्टर का नाम सुना होगा, एक्वा गार्ड का नाम सुना होगा, तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्वा गार्ड? एक्वा गार्ड इज़ ए सिस्टम विच इज प्यूरिफाइंग द वाटर। तो वो प्यूरिफाइंग जो होता है उसकी वजह से एक्वा गार्ड को हम कहते हैं प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस वी बोथ हैज डिस्कस इन फर्स्ट वीडियो इन डिटेल। अब यहाँ पे नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन मिक्सचर, दीज आर द मेथड्स, और ज़रूरत क्यों है, नीड ऑफ सेपरेशन व्हाई वी रिक्वायर्ड सेपरेशन, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स। सबसे पहले क्या होता है, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं उनको हमको रिमूव करना होता है। ठीक है, टू रिमूव द अनडिजरेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस, अगर हमको प्योर सैंपल किसी सब्सटेंस का चाहिए तो फॉर दैट व्हाट वी डू, वी रिक्वायर सेपरेशन टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट, और यूजफुल कंपोनेंट के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, अभी अगर सॉलिड से सॉलिड का सेपरेशन करना हो तो वी आर हैविंग ए वेरी सिंपल मेथड, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है, जैसे कोई भी सॉलिड है और वो सॉलिड के साथ मिक्स हो गया है, तो हैंड पिकिंग इज़ ए वेरी सिंपल प्रोसेस, जहाँ पे कि हम उसको हैंड से चूज करके आप एक जगह से दूसरे जगह पिक करके निकाल देते हैं, राइट। सो हैंड पिकिंग इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। थ्रेसिंग ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन वीडियो फर्स्ट, बट अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम। इन एग्रीकल्चर इफ यू गो टू योर विलेज यू सी दैट देयर विल बी अ मशीन्स, थ्रेसिंग मशीन्स। तो देर इज़ टू टाइप ऑफ थ्रेसिंग प्रोसेस, वन इज मैकेनिकल एंड वन इज मैनुअल। तो मैनुअल विल टेक टाइम एंड मैनुअल विल रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, पर मैकेनिकल दैट मीन्स मशीन, वेन मशीन गो फॉर थ्रेसिंग दैट विल बी मोर यूजफुल। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन वीडियो फर्स्ट। नाउ सीविंग, वॉट इज प्रोसेस ऑफ सीविंग, दैट मीन टू अंडरस्टैंड कि सीविंग हम किसे कहते हैं। इट इज़ द मेथड यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर विच आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, फॉर एग्जाम्पल अनडिजरेबल मटेरियल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स बाई यूजिंग ए सीविंग। द फाइन पार्टिकल्स पास थ्रू द सीवी वाइल बिगर पार्टिकल रिमेन ऑन द सीवी। ए सिमिलर प्रोसेस इज इम्प्लॉयड वेन वीट फ्लोर इज पास थ्रू द सीवी सो एज टू रिमूव द काफ। द साइज ऑफ द होल्स ऑफ द सीवी डिपेंड अपन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स विच आर टू बी रिमूव्ड। देखो ये तो एग्रीकल्चर में भी होता है और घरों में भी होता है। जैसे घरों में क्या होता है कि जनरली वी आर प्रिपेयरिंग टी, तो जब हम लोग चाय बनाते हैं तो by the time of preparing tea, what we do, चाय बनने के बाद उसको we are going to filter. So that can be also considered as a CV process, or it is being used widely in agriculture. तो agriculture में इसके बहुत सारा use होते हैं। ठीक है, जैसे देखो विनोइंग इज़ वेरी कॉमन प्रोसेस, आज के डेट में भी होता है। अब जब गांव में कभी जाते हो तो आप देखोगे जब गेहूं की फसल होती है या किसी और चीज़ों की जो एग्रीकल्चर होती है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है लाइटर एंड एक होता है हेवियर पार्ट। तो जैसे गेहूं है, जब कटने के बाद वो रेडी होता है तो
उसमें जो हीवियर पार्ट होता है, जब उसको आप किसी चीज़ में जो उनका जो बना होता है, देयर विल बी स्पेशल यूटेंसिल्स टू डू द सेम, उसके लिए वो क्या करते हैं कि दे आर पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ एयर। तो अगर अगर नॉर्थ से ईस्ट एयर जा रहा होगा तो उसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होता है, जिसे बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर जो लाइटर वेट के होते हैं वो दे यूज टू बी सेपरेटेड, वो हवा के प्रेशर से दे हैव टू चेंज देयर प्लेस, और जो हेवियर होता है वो अपनी जगह पे गिर जाता है। तो मैं इसको रीड करता हूँ। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ए कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट, हेवियर और लाइटर कंपोनेंट, जहाँ पे कि एक लाइटर होता है जिसका वेट कम होता है और एक हेवियर होता है, वहाँ पे इसका यूज होता है। ऑफ ए मिक्सचर बाई विंड बाई ब्लोइंग एयर, दिस मेथड इज कॉमनली यूज फॉर फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाई द विंड, द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी परपजेज सच एज फोल्डर फॉर कैटल्स, है ना। तो वो क्या करते हैं उसको फोल्डर फॉर कैटल्स, जो उसके हस्क होते हैं, आपने देखा होगा गाय जो काउस होते हैं, जो बफेलोस होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, व्हाट दे डू दे ईट फॉर उनका खाना होता है, वो जो हस्क निकलता है ना उनका, वो खाते हैं वो। चलो नाउ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड वाटर। अब लिक्विड वाटर से अगर हमको इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सेपरेट करना हो तो वी आर हैविंग डिफरेंट प्रोसेसेस। जैसे सेडिमेंटेशन होता है, तो सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच हेवियर पार्टिकल ऑफ ए इनसॉल्युबल सॉलिड इन ए लिक्विड सेटल डाउन। द पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन आर कॉल्ड सेडिमेंट एंड द क्लियर लिक्विड अबव द सेडिमेंट्स इज नोन एज सुपरसेंट लिक्विड। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस इन विच हेवियर पार्टिकल ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज ए लिक्विड सेटल डाउन। जैसे मान लो कि ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, आप उसके अंदर थोड़ा सा सैंड्स डाल दो और आप कितना भी कोशिश करोगे उसको सॉल्युबल करने का, तो वो नहीं होगा। थोड़ा सा मिट्टी डालो, मिट्टी को सॉल्युबल करोगे तो वो जल्दी घुल जाता है। बट अगेन इफ़ यू आर गोइंग टू पुट योर ग्लास आइडियल, आप ग्लास को आइडियली रख दो तो क्या होगा, वो सारे सॉइल्स धीरे 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 जाके नीचे बैठ जाते हैं। तो दैट इज द प्रोसेस बाई विच इट इज बींग डन। डिकेंटेशन, अब डिकेंटेशन में क्या होता है कि देर आर सम मिक्सचर विच कंटेन इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड। द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्युबल इन ए लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन। देर आर सम मिक्सचर विच कंटेन इनसॉल्युबल सॉलिड द सॉलिड पार्टिकल विच आर इनसॉल्युबल इन ए लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन। एक डिकेंटेशन प्रोसेस है जिससे कि हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कंटेन्स सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, सो सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड वाटर मिक्सचर बाय द मेथड ऑफ डिकेंटेशन। यानी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, ये दोनों प्रोसेस बिल्कुल सेम जैसा होता है, ठीक है। अब ये सब चीज़ आप कर भी सकते हो एंड इन ए डेली यूज़ इट इज़ बीइंग डन विद अस। अब देखो लोडिंग क्या होता है वो हम समझते हैं। समटाइम्स द ड्रिंकिंग वाटर इन रेनी सीजन इज़ वेरी डर्टी। जब बारिश होता है तब क्या होता है, जो रेनी वाटर्स होते हैं दैट यूज टू गेट डर्टी। इट कंटेन्स वेरी स्मॉल डस्ट पार्टिकल विच कैनॉट बी रिमूव्ड बाई सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। टू रिमूव दिस ए स्मॉल पीस ऑफ एलम इज सस्पेंडेड इन इट, ए स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स ज्वाइन एंड बिकम हेवी एंड सेटल डाउन। नाउ वी कैन गेट प्योर वाटर बाई यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। अब देखो फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द इनसॉल्युबल एंड सस्पेंडेड सॉलिड ऑफ वेरियस साइजेस फ्रॉम ए लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। द साइज ऑफ द होल्स इन द फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स विच आर टू बी रिमूव। टी इज फिल्टर्ड थ्रू ए सीवी
whereas water can be filtered using a muslin cloth or filter paper to filter substances in large quantities quickly. Other porous substances like cotton, glass, wool, charcoal and layers of sand can be used as filter also. The shikanji is filtered to separate the seeds of lemon. अब ये सिंपल है, घर में भी हम लोग करते हैं. जैसे आप शरबत वगैरह बनाते हो और कैनिकल जूसेस बनाते हो, तो वी आर गोइंग टू डू द प्रोसेस. ठीक है, नथिंग इज न्यू टू. अब इसमें देखो, एक एक्टिविटी में दिया हुआ है, देयर इज अ फिल्टर पेपर. तो फिल्टर पेपर क्या होता है, इट इज इन शेप ऑफ राउंड. तो उसको क्या होता है, आप फर्स्ट फोल्ड करोगे तो देयर इज ए फोटोग्राफ, इट इज बीइंग एक्सप्लोर्ड. फर्स्ट फोल्ड करोगे तो ये इस टाइप के स्ट्रक्चर में आ जाता है. देन सेकेंड फोल्ड करोगे, थर्ड फोल्ड करोगे तो इट विल टेक ए शेप, कोन का शेप ले लेता है. एंड दैट टाइप दैट आफ्टर दैट कोन हैज़ टू केप्ट इन द फिल्टर हैज़ टू केप्ट इन द कोन. और उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ लिक्विड अगर डालोगे तो इट इज गेटिंग फिल्टर्ड. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सी द सेटअप यूज इन स्कूल लेबोरेटरी टू कैरी आउट फिल्ट्रेशन. सिटी सेवेज एंड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स मेक यूज ऑफ फिल्ट्रेशन ऑन ए लार्ज स्केल. इन सिटी सेवेज वाटर इज फिल्टर थ्रू बिग मेटेलिक फिल्टर. इन ऑर्डर टू रिमूव सॉलिड इन सिटी सेवेज इज फिल्टर थ्रू बिग मेटेलिक फिल्टर्स. इन ऑर्डर टू रिमूव सॉलिड मटेरियल्स है ना, पॉली बैग्स etc. ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, ये हम लोग करते हैं एंड वी हैव टू स्टॉप इट. जैसे पॉलीथीन के बैग है वो फेंक दिया. अब क्या होता है, जो सेवेज होता है, सेवेज वॉट दैट इज़ जो गटर होता है हमारे गलियों में, हमारे स्ट्रीट में, तो जो गटर होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी आर पुटिंग पॉलीथीन एंड अदर थिंग्स. तो वो सारे जो है ना उसके अंदर चले जाते हैं, विच क्रिएट वेरी डर्टी एटमोसफेयर. टू अवॉइड चॉकिंग ऑफ सेवेज, उससे क्या होता है, सेवेज जाम हो जाता है. फिर बारिश के टाइम में सारे वाटर्स जो है दे स्टार्ट फ्लोइंग ऑन द रोड. एज गुड सिटीजन वी शुड नेवर थ्रो सॉलिड मटेरियल्स एंड पॉली बैग ऑन द रोड्स एज दे आर कैरी टू द स्वेट्स बाई रेन वाटर. इन होम स्कूल एंड ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग स्पेशल वाटर फिल्टर्स आर ऑफन यूज. इन दीज फिल्टर ए पोरस पॉट मेड ऑफ सिरेमिक इज यूज एज ए फिल्टर. द वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू द पोरस पॉट. द पोरस पॉट रिटेन्स सॉलिड इम्प्योरिटीज एंड अलाउ द क्लियर वेस्ट दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग टू पास थ्रू. अनदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड वाटर फिल्टर विच इज कॉमनली यूज दीज डेज, इट्स कॉल्ड एन एक्वा गार्ड. मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्वा गार्ड इज इन यूज इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज. ठीक है, तो एक्वा गार्ड के बारे में देख लेते हैं. इन दिस काइंड ऑफ फिल्टर ए स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल कॉल्ड रेजिन इन यूज फॉर फिल्टरिंग. वाटर इज देन पास थ्रू अनदर सिलेंडर लाइटेड विथ अल्ट्रा वायलेट रेज. ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक का कनेक्शन होता है विच क्रिएट ए अल्ट्रा वायलेट रेज. द अल्ट्रा वायलेट रेज किल द हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया इन द फिल्टर्ड वाटर. दस द वाटर बिकम्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग. ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर टैप वाटर सप्लाई टू अदर होम्स इज फर्स्ट क्लियर्ड इन द वाटर वर्ल्ड वर्क्स. द प्रोसेस इज यूज फर्स्ट टू रिमूव लार्जर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन डन. एलम इज देन एडेड टू द वाटर टू सेपरेट द स्मॉलर पार्टिकल्स बाय लोडिंग. द वाटर इज देन फिल्टर्ड बाय पासिंग इट थ्रू सैंड फिल्टर्स. सेपरेशन ऑफ सॉलिबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड. इवापोरेशन, अब एक इवापोरेशन क्या होता है, कैन यू ऑब्टेन शुगर डिजॉल्व इन वाटर बाई एनी ऑफ द मेथड डिस्कस अबव, सेडिमेंटेशन डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन. हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जैसे शुगर है वो वाटर में डिजॉल्व है, तो क्या हम इसको अलग कर सकते हैं किस किस प्रोसेस से, सेडिमेंटेशन डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन. तो आंसर आएगा, इफ़ यू फिल्टर शुगर सॉल्यूशन थ्रू ए फिल्टर पेपर विल यू गेट शुगर फ्रॉम फ्री वाटर, नहीं होगा ना. द आंसर इज नो. सॉल्युबल सब्सटेंसेस नीड स्पेशल मेथड ऑफ सेपरेशन.
The process of separating the solute from a solvent by heating is called evaporation. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। अब देखो डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और इसका डायग्राम आप फेयर बुक में अगर बना सकते हो तो बनाने की कोशिश करना, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज कि ये प्रोसेस क्या होता है एंड वाइडली दिस इज बीइंग वाइडली यूज इन द मेडिकल साइंस। तो डिस्टिलेशन इज ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर लिक्विड फ्रॉम ए सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज हीटेड सो दैट द लिक्विड इवोपरेट्स वेन कूल्ड, द वेपर्स कंडेंसेस टू गिव प्योर लिक्विड। डिस्टिल्ड वाटर यूज इन लेबोरेटरीज इज ऑब्टेंड इन दिस वे। ए स्पेशल अपरेटस इज यूज टू गेट डिस्टिल्ड वाटर। वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व इम्प्योरिटीज इज केप्ट इन ए फ्लास्क एंड अपरेटस इज यूज टू कूल द वाटर वेपर कॉल्ड डिस्टिलेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है कि देर इज ए, आप अगर फोटोग्राफ्स आप अच्छे से देखोगे तो देर इज ए थर्मोमीटर ऑल्सो अटैच और एक वाटर फ्लास्क होता है और इस वाटर, आपको मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, देखो ये थर्मोमीटर सबसे ऊपर लगा हुआ है एंड देर इज ए स्टैंड एंड वी हैव टू से बर्नर। बर्नर का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे गैस के स्टोव में होता है उसी तरीके का लेबोरेटरी में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बर्नर बोलते हैं। वेपर देखो जो डिस्टिलिंग, उसमें क्या है, एक डिस्टिलिंग फ्लास्क होता है उसको हम लोग फ्लास्क बोलते हैं, बट यहाँ पे चूंकि डिस्टिलेशिंग प्रोसेस होता है इसलिए डिस्टिलिंग फ्लास्क बोलते हैं और उससे उसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, वेपर जनरेट होता है और देर इज़ ए थर्मोमीटर, उसमें हमको देखना होता है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी जो हीटिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन वी यूज़ टू गेट वाटर, तो इसमें क्या होता है कि दो प्लेस होते हैं जहाँ से कि वाटर हम एग्जॉस्ट करते हैं और ये कंडेंस होता है, एक ट्यूब लगी होती है जिसको हम लोग थिसल ट्यूब बोलते हैं, उससे ये कंडेंस होके एक दूसरे फ्लास्क में ये वेपर जो होता है ना वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर बन के आता है। बाय दिस प्रोसेस वी आर गेटिंग डिस्टिल्ड वाटर। अब इसके यूजेस हैं, जैसे आपने देखा होगा कि फिल्टर टू द फ्लास्क कोल्ड वाटर इन मेड टू फ्लो थ्रू द कंडेंसर्स एज इन द फ्लास्क इज हीटेड इट इवेपोरेट द वाटर वेपर होल्स इन द लाइबिक्स कंडेंसर्स द ड्रॉप ऑफ डिस्टिल्ड वाटर फॉर्म्ड आर कलेक्टेड इन ए फ्लास्क। अब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग मोर देन वन मेथड। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ आयरन फीलिंग सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। अब रिमूवल ऑफ आयरन फीलिंग्स, रिमूवल ऑफ आयरन फीलिंग्स इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, स्प्रेड द मिक्सचर ऑन ए पेपर एंड रोल ए पावरफुल हॉर्स शूज मैग्नेट इन इट। रिमूव द मैग्नेट फ्रॉम द मिक्सचर एंड स्क्रैब ऑफ आयरन फीलिंग्स फ्रॉम इट। रिपीट द प्रोसीजर अंटिल नो आयरन फीलिंग आर लेफ्ट इन द मिक्सचर्स। जैसे आप देखोगे कोई भी चीज़ का मिक्सचर्स है उसके अंदर आयरन के फीलिंग्स आ गए, यानी आयरन के छोटे छोटे टुकड़े आ गए, तो यूज टू वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पिकिंग करेंगे तो हाथ में लग जाएगा, इट विल टेक मोर टाइम। तो क्या होता है, मैग्नेट, वी नो दैट मैग्नेट इज गोइंग टू अट्रैक्ट आयरन, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक पेपर पर रख के उसको रोल बनाते हैं एंड वी आर पुटिंग द उसके ऊपर फैला देते हैं पेपर पे, और वी आर टेकिंग ए मैग्नेट एंड वी आर यूजिंग, तो उससे क्या है उसकी, उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। जैसे ही आप मैग्नेट यूज़ करोगे तो सारे आयरन जो है ना मैग्नेट को पकड़ लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और फिर आप मैग्नेट को यू हैव टू कीप सेपरेटली, अलग करके रखोगे तो वो सेपरेट हो जाते हैं। अब देखो रिमूवल ऑफ सैंड, हमने पहले ही स्टडी कर लिया है रिमूवल ऑफ सैंड का, कि इसमें कहता है कि डिजॉल्व द मिक्सचर इन 100 ml ऑफ वाटर, द सॉल्ट विल डिजॉल्व बट नॉट द सैंड। फिल्टर द मिक्सचर, द सैंड इज लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, द क्लियर कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन कलेक्ट एज ए फिल्टरेट, वॉश द सैंड विथ डिस्टिल्ड वाटर सो एज द रिमूव ट्रेसेस ऑफ सॉल्ट, ड्राई द सैंड इन हॉट एयर, ऑब्टेनिंग कॉमन सॉल्ट फ्रॉम फिल्ट्रेशन। अब एक लास्ट पॉइंट है, ट्रांसफर द फिल्ट्रेट इन टू अ चाइना डिश एंड हीट इट ओवर द बंसन फ्लेम्स, इन ए फ्यू मिनट्स वाटर एवोपरेट्स लिविंग बिहाइंड ड्राई कॉमन सॉल्ट। अब इस तरीके से क्या है, हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं बाई डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। अब यहाँ पे की वर्ड है विच यू आर सपोज टू राइट इन फेयर बुक और इसको लर्न करना है, जिसमें कि थ्रेसिंग एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द स्टॉक बाई बीटिंग देम ऑन द ग्राउंड, विनोइंग ए प्रोसेस यूज टू सेपरेट हेवियर सॉलिड्स फ्रॉम लाइटर वंस, सीविंग एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर कंटेनिंग वेरी फाइन पार्टिकल एज इम्प्योरिटीज, फिल्ट्रेशन है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस इन एन इनसॉल्युबल मिक्सचर यूजिंग ए फिल्टर पेपर।
इसी तरीके से डिस्टिलेशन है, डिकंटेशन है और इवापोरेशन है। ये कीवर्ड आपको फेयर बुक में लिखना है और लर्न करना है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये आपको अच्छे से करना है, लर्न करना है। चलो, थैंक यू।